दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्मा के बारे में, मृत्यु के बाद में आत्मा क्या सोचती है, क्या क्या आत्मा को अनुभूति होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने हमारी शवयात्रा देखकर आपको क्या करना चाहिए, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पे जाकर भी उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर आपको शवयात्रा दिखे तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो को कि आत्मा के साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। आज हम आपको जो तथ्य बताने जा रहे हैं वो अपने आधार पे नहीं बल्कि ग्रंथों के आधार पे बता रहे हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं ऐसी सात अनुभूतियों के बारे में जिन्हें मृत्यु के लगभग एक घंटे तक आत्मा अनवरत अनुभूत करती है। हमारे ग्रंथों और पुराणों में उस दौरान आत्मा द्वारा अनुभव की जाने वाली सात अनुभूतियों के बारे में बताया गया है, जिनमें से सबसे पहली है अचेत अवस्था। बताया गया है कि शरीर से निकलने के कुछ देर बाद आत्मा अचेत अवस्था में रहती है, मतलब उसे शरीर त्यागने का आभास ही नहीं होता। उस समय केवल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मनुष्य थका हुआ गहरी नींद में हो, किंतु कुछ समय बीतने के पश्चात यह अचेत से सचेत हो जाती है और अपनी आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार खड़ी होती है। दूसरा है समान व्यवहार। जो एक आत्मा शरीर त्यागती है तो वो कुछ समय तक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे शरीर के साथ किया करती थी, लेकिन कुछ समय पश्चात वो शरीर त्यागने की सत्यता से अवगत होकर ये एहसास करती है कि शरीर में अब उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और उसका एक नए शरीर की खोज में निकलने का समय आ चुका है। दोस्तों तीसरी अनुभूति है बेचैनी और छटपटाहट। जैसा कि हम बता रहे हैं कि आत्मा थोड़े समय बाद ही समझ पाती है कि इस शरीर में उसका सफर समाप्त हो चुका है, लेकिन इस अनुभूति से पहले वो अपने उसी शरीर के आसपास खड़े सभी सगे संबंधियों को पुकारती है, उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करती है, पर कोई भी उसे सुन नहीं पाता। वो आत्मा बेचैनी से छटपटाने लगती है। चौथी अनुभूति होती है संचार। एक आत्मा इतने वर्षों से उस शरीर के माध्यम से जिस सांसारिक मोह माया से जुड़ी होती है, यानी कि जो रिश्ते उसने यहाँ बनाए होते हैं, उस मोह से बसीभूत होकर कभी वो अपने शरीर को देखकर दुखी होती है तो कभी अपने प्रियजनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये सभी प्रयास विफल ही साबित होते हैं। पांचवी अनुभूति होती है पुनः प्रवेश का। पांचवी अनुभूति में आत्मा पुनः प्रवेश का प्रयास करती है। यह तो गरुण पुराण में भी बताया गया है कि वह आत्मा मोहवश फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है जिसको उसने छोड़ा है, लेकिन तब तक यम के दूत उसे यमलोक ले जाने के लिए आ चुके होते हैं तो उसे ऐसा करने से यमदूत रोक देते हैं। धीरे धीरे वह आत्मा भी इसी सत्यता को स्वीकार कर लेती है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। फिर क्या होता है, यह अनुभूति उसे मोह का बंधन तोड़ने को मजबूर कर देती है जिस वजह से वह मृत्यु लोक जाने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अगली अनुभूति होती है दुखी होना। दोस्तों उस समय आत्मा को अपनी सांसारिक मोह को छोड़कर जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर होता है। उस समय उसे अपने जीवन में किए अच्छे और बुरे कर्म भी याद आते हैं, लेकिन वह अब भी विवश है क्योंकि उसको लेने आए यमदूत उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे अपनी भयावह आवाज से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और उसके जीवन पर्यंत किए गए कर्मों के आधार पर ही यमदूत उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। साधन कर्म और पुनर्जन्म अंततः उस आत्मा मृत्यु लोक को त्याग कर एक ऐसे मार्ग पर निकल पड़ती है जहां न तो सूर्य की रोशनी है और न ही चांद की चांदनी। उस लोक में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस मार्ग पर आत्मा को सिर्फ अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर ही कुछ समय का विश्राम मिलता है, जिनमें से कुछ आत्माएं तो अपने कर्मों का फल भूलकर जल्दी ही शरीर धारण कर लेती हैं, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम और अपने कर्मों का फल भोगने के बाद नया शरीर धारण करती हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि मृत्यु के पश्चात इनका आगमन क्या क्या अनुभव करता है, इसका थोड़ा बहुत अनुमान तो आपको लग ही गया होगा। इससे जुड़ा कोई अन्य प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।